आई एम एडवोकेट सुमित चौधरी। तो दोस्तों आज हम जो बात करेंगे हम कि इंटरिम बेल किस तरीके से मिलती है कोर्ट से। देखो पहले तो बताओ कोर्ट में इंटरिम बेल होती क्या है ना। इंटरिम बेल जो होती है दोस्तों वो होती है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए बेल, जैसे कि 10 दिन, 11 दिन, 45 दिन, 90 दिन, 3 महीने तक भी चले जाते हैं इंटरिम बेल, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मतलब एक तो होती है रेगुलर बेल और एक होती है एंटीसिपेटरी बेल और एक होती है इंटरिम बेल। रेगुलर बेल का मतलब होता है कि परमानेंट बंदा बाहर है जब तक उसका केस डिस्पोज नहीं हुआ था। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि जेल में जाने से पहले बेल ले लेना। इंटरिम बेल का मतलब होता है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए बंदा जेल से बाहर आएगा किसी काम के लिए, इमरजेंसी काम के लिए, उस काम को निपटाने के बाद बंदे को वापस एंटर करना पड़ेगा जेल के अंदर। और जो इंटरिम बेल का मतलब है दोस्तों, इंटरिम बेल यानी कि हल्के से को मिल जाती है। इंटरिम बेल बहुत ज्यादा मुश्किल चांसेस में मिलती है, जैसे कि किसी के घर में बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है, जैसे किसी की मदर की तबीयत खराब है, किसी की वाइफ की तबीयत खराब है। ठीक है, कि उस बंदे के आए बिना वो काम नहीं हो सकता, उस स्टेज पर इंटरिम बेल मिलती है। अदरवाइज इंटरिम बेल बहुत मुश्किल से मिलती है जब साहब इंटरिम बेल ग्रहण नहीं करते। अगर जब साहब को लगता है कि इंटरिम बेल इसको दे देनी चाहिए, मतलब कि इस बंदे के अगर जेल से बाहर निकलने के बाद ये काम हो पाएगा तभी उसको इंटरिम बेल मिल सकती है। जैसे किसी के घर में किसी की बहन की शादी है, अकेला भाई है करने वाला है, या कुछ भी चीज है कि इसके बिना ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, उस चीज की कोर्ट पूरी वेरिफिकेशन भी करती है। अब वो वेरिफिकेशन जब सबको लगती है कि ये बात इनकी एकदम जैन मैन है, सच बात है कि इसके बिना काम नहीं हो सकता, तो उस जज साहब के ऊपर डिपेंड है वो कितने दिन की इंटरिम बेल देते हैं, जैसे कि 45 डेज, 90 डेज, ठीक है, 15 दिन, 14 दिन, मतलब कितने भी दिन के वो ग्रांट कर सकते हैं बेल। जितने दिन की बेल वो ग्रांट करेंगे उस टाइम पीरियड को पूरे होने के बाद उस बंदे को जेल के अंदर सरेंडर करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं इंटरिम बेल। ठीक है ना, सीधी सी बात यह है कि इंटरिम बेल का मतलब ये होता है थोड़े बहुत दिन के लिए, जितने भी जज साहब दिन डिसाइड करेंगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 45 दिन, 50 दिन, जो भी जज साहब डिसाइड करेंगे उतने दिन तक बंदा जेल के बाहर रहेगा। वो दिन टाइम पीरियड पूरा होने के बाद उस बंदे को वापस से जेल में अंदर सरेंडर करना पड़ेगा। कुल मिलाकर इसको बोलते हैं इंटरिम बेल। ठीक है, रेगुलर बेल का तो आपको पता ही है, रेगुलर बेल का मतलब ये होता है कि जब तक केस खत्म नहीं होता तब तक बंदा जेल के बाहर रहेगा बेल पर, ऑन बेल, समझ गए ना। तो चलो, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी।